Hey guys, back. क्या हाल चाल बढ़िया हो मजे में हो तो हाँ भाई आज की कहानी देखो भाई लेंस हम पढ़ रहे थे और कहानी चल रही थी रिफ्रेक्शन थ्रू द देंसेस तो भाई रिफ्रेक्शन थ्रू लेंस में बहुत सारी ऐसी बातें थी जहां पे हमने चर्चाएं की थी पहला चीज तो हमने ये समझा कि लेंस होता क्या है सब <coughs> लेंस क्या है लेंस के प्रकार क्या है हर एक चीज हमने जानी थी तो भैया आज इमेज फॉर्मेशन की बातें करेंगे कि लेंस से इमेज को कैसे फॉर्म किया जाता है लेकिन ये सारी बातें तो होती रही पहले एक बार बताओ भाई बढ़िया हो तुम जोश में हो तुम मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैं बढ़िया से दिखाई दे रहा हूं और अगर हाँ तो हमेशा की तरह लाइव चैट में थम्स अप दिखाना तो बनता है मेरे बच्चे तो फटाफट से काम हो जाना चाहिए और एक बार मैं चेक कर लू कितने लोग हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं इस लाइव क्लास में एक मिनट रुको एक मिनट रुको एक मिनट रुको एक मिनट रुको Right, right, right. चलिए भाई, बहुत बढ़िया। <coughs> क्या हो गया भाई आज तुम लोगों को हाँ, आ रहा है सब कुछ चलिए भाई। सर्वोत्तम आपको हाईलाइट करे वीडियो में अरे बिल्कुल तुम्हें हाईलाइट किया जाएगा भाई चिंता ना करो तुम आ जाओ यहाँ पे तुम बढ़िया से एक काम करो ना यहाँ पे आ जाओ तुम्हें एकदम चमका देंगे साथ में है ना कोई चिंता ही नहीं है ऐसी मिस्टर खान क्या हाल चाल आदित्य राज right, बहुत बहुत बढ़िया शानदार चलिए भाई आज मुझे लग रहा है कि ये दिख रहा है मुझे कि तुम लोग आज कम क्राउड में आए हो मतलब क्या हो गया तुमने अब आज सेशन शेयर नहीं किया दोस्तों में या क्या हो गया भाई सैटरडे का एक इफेक्ट होता है सैटरडे इफेक्ट सर कौन पढ़ाई करेगा सैटरडे को एक तो इतना शानदार मौसम हो रहा है सर धीमी धीमी सी बारिश हो रही है है ना कौन लेक्चर अटेंड करेगा इस टाइम पे मन करता है बढ़िया घर पे रहें ना बढ़िया गरम चाय की प्याली हो और उसके साथ पकोड़े हो तो मजा आ जाए फिर है ना तो <coughs> देखो भाई ये चीजें मैं जानता तो हूँ एक आ, अलग ही लेवल का सुख हमें देता है लेकिन ठीक है फिलहाल इसको छोड़ के हमें लेक्चर पे फोकस करना चाहिए ठीक है अब चाय का तो क्या है भाई पी लेंगे इसके बाद भी पकोड़े खा लेंगे बाद में भी लेकिन लेक्चर तो अभी ही होगा ना मैं भी तो छोड़ के आया हूँ यार है ना तो अब क्या करें क्या करें तो ये चीज तो होनी ही है ना अब तुम बोलते हो फिजिक्स बोरिंग है भाई देखो यार इतना कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारी तरफ से भी चाहिए है मुझे और फिजिक्स कौन कहता है भाई बोरिंग होती है ये कौन कहता है कि फिजिक्स बोरिंग होती है भाई फिजिक्स कभी बोरिंग नहीं हो सकती है बस आपको क्या है चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना है तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी ठीक है हाँ देखो भाई मिस्टर खान क्लास नाइन्थ में फिर भी फिजिक्स के प्रति जो इनका लगाव है उसकी वजह से वो यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए थे देखो ऐसा डेडिकेशन चाहिए अपने को है ना

कैसे काम हो रहा है कैसे किसी लेंस में रिफ्रेक्शन हो रहा है हर एक चीज मैंने लास्ट लेक्चर में डिफाइन करी है बेटा आज जो है हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे थ्रू द लेंसेज आज हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे थ्रू द लेंसेज आज हमारा जो डिस्कशन है वो है इमेज फॉर्मेशन थ्रू द लेंसेज देखो भाई आपको यह याद है कि किसी भी कर्व्ड मिरर से इमेज का फॉर्मेशन किया गया था कुछ रूल थे इमेज फॉर्मेशन के लिए वो बनाए गए थे तो भाई लेंस के लिए भी कुछ रूल्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना है क्या है वो रूल्स आओ जरा बारी बारी से पढ़ते हैं अगर मैं बात करूं इमेज फॉर्मेशन की तो बेटा पहला रूल जो होता है वो कहता है कि सब एक लाइट रे अच्छा मैंने आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बता दी थी ना लेंस की साहब लेंस जो होता है हमारे पास उसमें भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसमें भी फोकस होता है यहां पे प्राइमरी फोकस यहां पे सेकेंडरी फोकस था था तो जब हम किसी लेंस की बात करते हैं तो किसी भी लेंस की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें फोकस भी होता है प्रिंसिपल एक्सिस भी होता है लेकिन सर जहां पे पोल होता था वहां पे होता है ऑप्टिकल सेंटर ओ किसी भी कर्व्ड मिरर में किसी भी कर्व्ड मिरर में जहां पे पोल होता था इस बार वहां पे पोल ना होके वहां होता है ऑप्टिकल सेंटर जैसे सारी डिस्टेंसेज आप पोल से मेजर करते थे वैसे ही यहां पे भी जितनी भी डिस्टेंसिस होंगी आप ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे बेटा ठीक है चलिए रूल्स क्या है पहला रूल यही है सब कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन इट पास थ्रू द फोकस ये अपना रूल नंबर वन हो गया है पहला रूल क्या हो गया कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल है तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन वो फोकस से पास हो जाएगा कोई लाइट रे अगर फोकस से पास हो रही है ये सेकेंड रूल है बेटा एक बार देख लेना कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन हो जाएगी अपना रूल नंबर टू हो गया बेटा तीसरा रूल कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बिना किसी डेविएशन के वो चली जाएगी बेटा कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो जाती है बेटा तो ये तीन रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए काम आ सकते हैं बेटा और मैं आपसे कहूंगा कि आपको कोई भी इमेज बनानी है तो कोई से भी दो रूल आप फॉलो कर लीजिए बेटा इमेज बनाना चाहते हैं कोई से भी दो रूल फॉलो कर लीजिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा कोई भी लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है हमेशा बिना डेविएशन के चली जाएगी फॉर एन एग्जाम्पल आपने कहा कि सर ये वाली लाइट रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई लाइट रे जा रही है बिना डेविएशन के चली गई क्यों क्योंकि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही थी कोई भी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है पास होती है वो बिना डेविएशन के एक पास हो जाएगी सब कोई डेविएशन यहां पे देखने को नहीं मिलेगा भाई ये अपने कुछ रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन में काम आते हैं बेटा ये सारे रूल्स यहाँ पे यहाँ पे लिखे हुए हैं बेटा ठीक है जिसमें पहला रूल यही है रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट स्ट्रेट पहला रूल रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर इट गोज स्ट्रेट दिस इज द फर्स्ट रूल सेकेंड रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे जो फोकस से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अ लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर द रिफ्रेक्शन इट बिकम्स पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये दूसरा रूल हो गया तीसरा रूल कहता है लाइट रे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द प्रिंसिशन पास थ्रू द फोकस ये तीसरा रूल हो गया बेटा ये सारे रूल मैंने यहां पे बना दिए हैं एक साथ ही बना दिए हैं तो आप देख सकते हैं कि सारे रूल्स मैंने इसी में ही बना दिए हैं अब हमको अगर इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइट रेस चाहिए जब भी आप इमेज बनाना चाहते हैं आप समझ जाइए कि आपको एटलीस्ट कम से कम दो लाइट रेस तो चाहिए यानी कि तीन रूल है तीनों में से कोई से दो रूल लगा लीजिए आपका आंसर आएगा तीन रूल है आप इनमें से कोई से रूल लगा लीजिए आपका आंसर आ जाएगा अच्छा और भी कोई रूल है कैसे नहीं है ठीक है नहीं है भैया और कोई रूल सो so, मैंने कहा ना तीन रूल है ये काम करेंगे डेफिनेटली करेंगे बेटा ठीक है अब कैसे इमेज का फॉर्म किया जाता है एक लेंस मेकर फॉर्मुला है थोड़ा सा रुक जाओ मैं बता दूंगा लेंस मेकर फॉर्मुला आपको बता दूंगा बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एक मिनट को मुझे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन हो गया कॉन्केव के लिए भी ऐसे रूल्स चलेंगे बेटा अभी तक जो है जो भी रूल्स थे आप देख रहे हो वो कॉन्वेक्स लेंस के लिए आ रहे थे सेम टाइप के रूल्स जो है कॉन्केव लेंस के लिए भी वैलिड होते हैं लेंस मेकर फॉर्मुला के लिए भी रुक जाओ बता दूंगा लेंस मेकर फॉर्मुला भी पहले ये समझ लेते हैं

कोई भी लाइटरेज जो फोकस की तरफ जा रही है आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा बेटा पैरेलल टू द एक्सिस हो जाएगा ये तीनों के तीनों रूल्स जो हैं वो कॉनकेव लेंस के लिए भी वैलिड होंगे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है यहां पे बीच में ऑप्टिकल सेंटर ओ पहला रूल क्या है कोई भी लाइट रे अगर पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो जाएगा कोई भी लाइट रे पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो जाएगा फिर दूसरा केस क्या कहता है सर कोई भी लाइट रे ये तो अपना रूल नंबर वन हो जाएगा दूसरा रूल कहता है कि भाई कोई भी लाइट रे अगर फोकस की तरफ जा रही है मान लो यहां पे एक फोकस है और मुझे दिख रहा है कि कोई लाइट रे सीधा फोकस की तरफ जा रही है मान लो यहां से कोई ऐसी एक लाइट रे आ रही है जो फोकस की तरफ जा रही है। सो आफ्टर द रिफ्रेक्शन बेटा वो पैरल टू द एक्सिस हो जाएगी अगर कोई भी लाइट रे पैरल ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो इट विल गोज विदाउट डेविएशन बेटा कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है इट गोज ये रूल है बेटा ये रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव का हो कॉन्वेक्स का हो सारी बातें आपके सामने रखी गई हैं कुछ भी चीज छुपाई नहीं गई है सब कुछ क्लियर है आपके पास एक लाइट रे जो कि पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती हुई नजर आती है अगर कोई लाइट आपको फोकस की तरफ आती हुई लग रही है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है इट गोज डेविएशन इट गोज विशन छाप लो देख लो फटाफट से अभी आपका लेंस मेकर फॉर्मुला कराना है मुझे तो ऐसा गुस्सा नहीं होना कि सर वो आपने लेंस मेकर फॉर्मुला नहीं कराया कराऊंगा थोड़ा सबर करो पहले एक बार इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं उसके बाद फिर आपको लेंस मेकर फॉर्मला भी बता दूंगा ठीक है पहले एक बार इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं उसके बाद मैं लेंस मेकर फॉर्मुला पे भी आ जाऊंगा फिर ठीक है तो बेटा कॉन्वेक्स लेंस होगा तो ये इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हो गए कॉन्केव लेंस होगा तो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स हो गए कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे सारी बातें बहुत सिंपल है अपने पास में तो आइए जरा यहाँ पे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन की बात करते अच्छा इमेज फॉर्मेशन की बात करते बेटा हाँ इमेज फॉर्मेशन सर कितना आसान होगा ना ये देखो भैया दो रूल लगा लेना कोई से भी और उनसे पिक्चर सेट हो जाएगी जैसे कि मैं केस फर्स्ट ले रहा हूं जिसमें ऑब्जेक्ट कहां पे होगा इंफिनिटी पे होगा ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तो मैं एक ऐसा सिचुएशन ले रहा हूं जिसमें ऑब्जेक्ट कहां पे होने वाला है इन्फिनिटी पे होने वाला है तो मान लो ऐसी कुछ सिचुएशन बनती है जिसमें एक लेंस यहां पे आ गया ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई अगर कोई भी लाइट रे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो वहां से लाइट रे जो है पैरल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी लाइट रे अगर पैरल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है लाइट रे पैरल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर द रिफ्रेक्शन बेटा वो एक जगह पे मिलेंगी जाके आफ्टर द रिफ्रेक्शन वो एक जगह पे मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज द फोकस इमेज कहां पे बनने वाली है फोकस पे बनने वाली इमेज कहां पे बनेगी फोकस पे बनेगी कैसी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा था इमेज छोटी सी बन रही है सर नेचर की बात कर ले नेचर कैसा होने वाला है इमेज का है सर नेचर मेरे हिसाब से तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा और नेचर की बात करो तो रियल एंड इनवर्टेड होगा और यहां पे डिमिनिस्ड इमेज बनेगी हाईली डिमिनिस्ड इमेज बनने वाली है क्या बिल्कुल सर कहां पे बनेगी एट फोकस कहां पे बनेगी इमेज एट फोकस भाई मेरा साथ देते चलना है यार मुझे बताते चलना है यार कि तुम्हें भी चीजें समझ आ रही है कि नहीं आ रही भाई मिस्टर आसाद क्या हाल चाल? फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया दीप शर्मा तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जाके फटाफट से चलिए भाई ऑल राइट ओके 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 स्क्रीनशॉट ले लिए थे ना सभी ने फर्स्ट रूल क्या है बेटा मिस्टर आसाद रूल्स कहते हैं कि अगर कोई भी लाइट रे देखो ऐसा कोई पैटर्न uh, नहीं है कि पहला रूल यही होगा इट इज भाई कोई पैटर्न सेट नहीं है यहां पर ये मत करना कि सर पहला रूल ऐसा ही होगा ना कि लाइट रे पैरल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अरे कोई सा भी पहला रूल हो सकता है कोई ऐसा उन्होंने पैटर्न डिसाइड थोड़ी किया कि पहला रूल इसी को ही बोलेंगे नहीं आपके पास तीन रूल है कोई सा भी पहला बोल दो कोई सा भी दूसरा बोल दो कोई सा भी तीसरा बोल दो वो आपकी इच्छा श्रद्धा मैंने यहां पे दो लाइट रेज ली थी बेटा दोनों ही पैरल थी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होने वाले थे यानी कि इमेज मुझे यहां पे मिल गई अच्छा ये हाईली डिमिनिस्ड है इमेज जो इमेज है वो कैसी है हाईली डिमिनिस्ड यहाँ पे

अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तीसरा रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो बिना बिना किसी डेविएशन के सीधी चली जाएगी चलिए भाई अब सर यहां पे सेकंड केस लेके आते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे अब ये तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो गया सर आगे लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को केस 2 चलिए भाई कहां पे को कहीं भी रख लो सर बिटवीन इंफिनिटी एंड आर है कुछ ऐसी कहानी बन सकती है ना भाई यहां पे कहीं पे फोकस होगा तो यहां पे कहीं पे इसका कर्वेचर भी तो होगा है इस वाले का यहां पे कर्वेचर भी होगा तो इसको बियॉन्ड सी रखा आपने को नहीं। तो आप क्या रहे? को कर बियॉन्ड सी रख दीजिए इमेज को फॉर्म करवा लीजिए जहां पे भी इमेज बनती है वहीं पे आप इसको सेट कर लेना बेटा फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहां पे केस कंसिडर कर लेता हूं ऐसा वाला कि ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा गया यहां पे कर्वेचर हो जाएगा यहां पे फोकस हो जाएगा ठीक है मान लिया है भाई हमने लाइट रे पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द द प्रिंसिपल आफ्टर थ्रू द फोकस और दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है इट गोजिविटेड ठीक है तो इस तरीके से बेटा वो आगे जाके मिलेंगे ठीक है तो इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी तो सुनो ना रूल्स वगैरह जो है ना वो रूल्स पे काम कर लो सुनो सुनो रूल्स का ही काम करते हैं हाँ बहुत बढ़िया क्या हो गया भाई कितने टाइम तक चलेगी ये क्लास हम्म सोचने वाली बात है ये ये तो सोचने वाली बात है कि कब तक चलेगी क्लास <laughs> <laughs> क्या हो गया भाई मैं क्या नहीं बताऊंगा यार क्यों नहीं बताऊंगा तुम्हें तुम्हें क्यों लगा ऐसा कि मैं कुछ नहीं बताऊंगा तुम्हें अच्छा चलो एक काम करते सुनो तरीके पता है तुम्हें रूल्स वगैरह सब पता है तुम्हें तो एक काम करो आप सारे केसेस को एक बार गो थ्रू करके आओ है ना सुनो तो सही मुझे लग रहा है कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ये आपके जो है वो रूल्स मैंने बता दिए एक बार खुद से अलग अलग पोजिशन पे एक बार सी पे रखना ऑब्जेक्ट को फिर एक बार सी और एफ के बीच में में रखना अच्छा ये बियॉन्ड सी वाले केस में, आप एक काम कर सकते हो उसको सी पे रखना इमेज कहां पे बनेगी चेक करना फिर सी और एफ के बीच में रखना फिर एफ पे रखना फिर एफ और पी के बीच में रखना ऐसे पोजिशन को बढ़ाते जाइए जब आप ऐसे पोजिशन को आप आगे बढ़ाते जाएंगे तो देन यू विल कम टू नो कि हाँ भाई कैसी कैसी इमेजेस बन रही है और किस टाइप का नेचर उसका है तो एक काम करना भाई कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस आप दोनों के लिए इमेज फॉर्मेशन की बातें कर लेना बेटे को प्लीज एक बार खुद से ट्राई करना अगर दिक्कत आएगी तो मुझे बताना भाई एक बार आप खुद से ट्राई करना और कोई भी दिक्कत अगर आती है तो मुझे बताना बेटा है ना एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए इसको ये आपके स्कूल एग्जाम में पूछ लेगा तो अलग बात है नहीं तो मुझे नहीं लगता इमेज फॉर्मेशन की बातें कहीं पे आती है हाँ, तो न्यूमेरिकल्स कराऊंगा ये सारी चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा ठीक है एक बार आप खुद से ट्राई कर लेना कोई दिक्कत आएगी तो मैं बताऊंगा आपको चिंता ना करें बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको सारे केसेस दोबारा से रिपीट कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन मेरे हिसाब से जैसे मैंने अभी क्या रखा पहले इन्फिनिटी पे था अभी इन्फिनिटी और सी के बीच में फिर मैं सी पे लेके आऊंगा फिर सी और एफ के बीच में लेके आऊंगा फिर एफ पे लेके आऊंगा फिर एफ और पी के बीच में लेके आऊंगा ऐसे ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मैं पास लेके आ रहा हूं तो उससे क्या हमें इसका रिजल्ट मिलता है आप ये देखिए कॉन कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी बात करेंगे कॉन्केव लेंस के लिए भी बात करेंगे कॉन्केव में भी ऐसे दो ही सिचुएशन होती है ज्यादा नहीं होती है इसमें भी। एक ट्राय करना, देखना क्या आंसर बनते हैं क्या इनकी पॉसिबिलिटीज बनती है केस अगर आप इसको नहीं कर पाए तो बता देना भाई अगली लाइव क्लास में बता देना मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें ठीक है चलिए बाकी एक जो सिचुएशन अपने पास बची हुई है वो है लेंस मेकर्स मामला की तो अभी फिलहाल मैं इसको हटाता हूं और अभी मैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला की ओर चलता हूं हमें जो मेन मुद्दा है हमारा वो है लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम्म लेंस मेकर्स फॉर्मूला इज द मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा यहां इससे क्वेश्चन आते हैं अपने पास में ठीक है इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये प्रॉपर तरीके से बताया था कि किसी भी लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे हो सकता है किसी भी लेंस से रिफ्रैक्शन किस टाइप से हो सकता है वो मैंने आपको बताया था बस उसी ज्ञान का इस्तेमाल करना है आज अपने को उसी नॉलेज का हमें यूज करना बेटा यहां पर एक लेंस मैंने कंसिडर किया हुआ है एक लेंस जो है आपके सामने मैंने यहां पर कंसिडर कर लिया है अब जरा इस लेंस के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाते ठीक है सुनना लेंस वैसे तो मैंने मोटा लेंस लिया लेकिन असली में हम पतला लेंस लेते हैं क्यों लिया मैंने मोटा लेंस अभी बताता हूं ऑब्जेक्ट रखे सेम डायग्राम रिपीट होने वाला है यहां पे ऑब्जेक्ट रखे बेटा जो भी डिस्टेंस मेजर करनी है दैट विल बी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर तो ऑब्जेक्ट को मैं कुछ नाम दे देता हूं लेट से ए हमारा ऑब्जेक्ट है ऑप्टिकल सेंटर ये हमारा ऑब्जेक्ट ए जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करनी है दैट विल बी फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इट तो यहां पे ये जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज योर यू और ये इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो यू है इधर की तरफ बेटा अब यहां से कोई भी लाइट रे जो जा रही है उसका रिफ्रैक्शन करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सर्फिस दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी चीजें होती है वो पॉजिटिव होती है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी आता है वो negative आता है बेटा यहाँ पे अगर आप गौर फरमाएं थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा कि सर इसका टेंजेंट जो है कुछ टाइप से बनता है और इस पे जो नॉर्मल है वो ऐसा बनता है कोई भी लाइट रे जब रेयर से डेंसर में जाती है यहां पे मैं रेयर ले मीडियम ले लेता हूँ जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू आर हो जाएगा यहां पे जो मेरे पास है वो रेरर मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू आर हो जाएगा यहां अंदर जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है और जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू डी हो जाता है यहां पे जो एक डेंसर मीडियम है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू डी हो जाएगा जो रेरर मीडियम है वो म्यू आर यही रेरर मीडियम यहां पर भी होगा बेटा यही रेरर मीडियम यहां पर भी होगा म्यू आर और अंदर तो डेंसर मीडियम है ही सी यहां से इंसिडेंट रही गई बेटा इसका रिफ्रेक्शन होगा पहले सरफेस से पहले सरफेस से रिफ्रेक्शन होने के कारण ये ऐसे गई बेटा अगर ये सरफेस नहीं होती तो बताओ मुझे क्या ये लाइट रेस सीधी 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 जाके और यहां पे मिलती क्या सोच के बताना बेटा अगर ये दूसरी सरफेस नहीं होती ये वाली तो आपकी पहली सरफेस है ये वाली आपकी दूसरी सरफेस है अगर ये दूसरी सरफेस नहीं होती तो ये लाइट लाइटरी बिल्कुल सीधा 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 जाके यहां पे मिलती है। इसको मैंने I1 कह दिया बेटा पहले रिफ्रेक्शन की वजह से जो इमेज बनी है वो I1 हो जाएगी बेटा ये I1 की जो दूरी है विल बी से v और इसकी डायरेक्शन आप देख ही रहे हो किधर है v देख रहे हो, है अब क्या हुआ बेटा दूसरा सरफेस आया दूसरा सरफेस आया तो इसने बोला कि भैया ऐसे थोड़ी होता है भैया रिफ्लेक्शन तो होगा ही होगा तो इसने बोला कि भैया देखो हम तो रिफ्लेक्शन कराएंगे तुम्हें रिफ्रेक्शन होगा तो ठीक है भाई कोई बात नहीं नॉर्मल से लाइट रेज जो है वो दूर जाती है अगर डेंसर से रेर में आते हैं ये नॉर्मल हो जाएगा और लाइट इससे दूर जाएगी यहां पे फाइनल इमेज बनेगी इसका जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा v ठीक है तो बेटा यहां पे नामकरण कर देता हूं मैं इसका नाम हो जाएगा एन वन इसका नाम हो जाएगा एन टू एन वन एन टू क्या है नॉर्मल है सरफेस के वन और टू के बेटा तो इस प्रकार से पूरा रिफ्रेक्शन का जो प्रोसेस है बेटा वो आ रहा है उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी बातें सो so, इस तरीके से किसी भी लेंस से एक रिफ्रेक्शन हो रहा है बेटा सुनो कैसे होता है प्रोसेस फिर से सुनो यहां पे ऑब्जेक्ट है यहां पे ऑब्जेक्ट है यहां से इंसिडेंट रह गई पहला सरफेस देखा वहां से रिफ्रेक्शन हुआ रेरर से डेंसर में जा रही है इसलिए नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है बेटा अब देख रहे हो ये नॉर्मल वाली लाइन जा रही है रेरर से डेंसर में जाने की वजह से नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई बेटा अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता सुनते चलना बेटा मजा आ जा जाएगा अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो ये लाइट सीधी जाके यहां पे इमेज बनाती साहब अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो ये लाइट सीधी जाके यहां पे इमेज बनाती साहब लेकिन क्या है ना अभी ये पे एक और सरफेस है दूसरा सरफेस है तो बेटा जी अगर ये दूसरा सरफेस है तो इसकी वजह से भी रिफ्लेक्शन होगा लेकिन सुनो समझने वाली बात जो है वो ये है कि दूसरे सरफेस को लगता है कि लाइट यहां से आ रही है दूसरे सरफेस को नहीं पता कि ऑब्जेक्ट यहां रखा है उसको तो जहां से लाइट आती हुई नजर आएगी वो तो वहीं सोचेगा जहां से लाइट आती हुई नजर आएगी वो तो वहीं सोचेगा ऑब्जेक्ट को तो सेकंड वाले सरफेस के लिए ये बनता है इंसिडेंट रे बेटा सेकंड वाले सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे बनता है सेकंड वाले सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रे बनता है बेटा ये इंसिडेंट रे को जब आगे जाके देखा तो उसको आई वन दिखाई दिया तो सेकंड वाले सरफेस को क्या लगता है कि आई वन जो है वो ऑब्जेक्ट यानी कि पहले सरफेस के लिए ए ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आई वन उसकी इमेज हो जाएगी ये पहले सरफेस के लिए तो मैं लिख देता तो हूं यहां पे फॉर सरफेस वन एंड फॉर सरफेस टू व्हाट विल व्हाट इज गोइंग ऑन अरे बोर तो नहीं गए ना तुम लोग फॉर सरफेस वन ऑब्जेक्ट जो है वो ए है इमेज जो है वो आई वन है ऑब्जेक्ट ए है और इमेज जो है वो आई वन है फॉर सरफेस टू सेकेंड के लिए अगर हम बात करें सो फॉर सरफेस टू ऑब्जेक्ट जो है वो आई वन हो जाएगा और इमेज जो है वो आई हो जाएगी हम्म hmm. कैसे से पहले सरफेस को इंसिडेंट रे इधर दिख रही है तो उसको लगा ऑब्जेक्ट यहां पे है बेटा जिस डायरेक्शन से इंसिडेंट रे आ रही है ऑब्जेक्ट वहीं दिखता है अपने को जहां से इंसिडेंट रे आ रही है ऑब्जेक्ट अपने को वहीं दिखता है तो भाई पहले सरफेस को ये इंसिडेंट रे दिख रही है उसको लगा पता चला ऑब्जेक्ट यहां पर सेकेंड वाले सरफेस को ये इंसिडेंट रे दिख रही है तो उसको लगा ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर होगा वो बढ़ा के देखा आई पे दिखा तो बेटा दोनों के लिए कहानी को डिफाइन किया है अब बारी बारी से आप यहां पे जानते हैं कि अगर किसी भी कर्व्ड सरफेस से रिफ्रेक्शन होता है तो इमेज कब बनाई जाती है उसमें कॉन्सेप्ट याद है आपको पहले सरफेस से बात करता हूं फॉर रिफ्रेक्शन थ्रू सरफेस वन रिफ्रेक्शन थ्रू सरफेस वन बेटा पहले सरफेस से जो रिफ्रेक्शन हो रहा है उसके लिए फॉर्मूला लगाते बेटा इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे म्यू ऑफ द डेंसर डिवाइडेड बाय वी डैश क्यों सर अरे सोचो बबुआ कि पहले वाले सरफेस को इमेज कहां पे बनाएगा हो पहला वाला सरफेस जो है बेचारा नादान है उसको ये दिख रहा है कि लाइट यहां से आ रही है उसके लिए ऑब्जेक्ट ये है उसको ये दिख रहा है लाइट यहां जा रही है उसके लिए इमेज कहीं अंदर है यहां पे सरफेस जो है वो नादान है है ना सरफेस जो है बेचारा बेवकूफ बन गया उसको लगा कि साहब मैं ऐसे सरफेस हूं यहां पे से लाइट आ रही है मतलब ये ऑब्जेक्ट है यहां पे लाइट जा रही है मतलब इमेज अंदर बन रही है कहीं पे अंदर का रिफेक्टिव इंडेक्स म्यूटी होता है इमेज कितने डिस्टेंस पे बनी बन थी वी डैश पे बनी बन थी तो म्यूटी बाय अरे तुम हटो यहां पर आओ सो so, म्यूटी बाय अभी बोलो बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव तो साहब यहां से साइन कन्वेंशन देखो इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इट इज पॉजिटिव ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है तो ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी तो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो तो पॉजिटिव होगा और इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगी बेटा माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय यू इज टू म्यू डी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय आर वन भैया एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जहां पे इंसिडेंट रे पहली बार गिरे उधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन और दूसरा वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू जहां पे इंसिडेंट रे पहली बार गिरे वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन और दूसरा वाला फिर आर टू होता है यार ये नहीं पता था क्या क्यों बेटा अभी लगाते हैं बेटा क्यों भाई सर्वोत्तम तो क्लास के एंड में जाके लगा देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार सब चलेगा थोड़ा सा वेट करते हैं अभी पहले अपने को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद फिर ये काम होगा ठीक है तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो हर एक चीज ही जाएगी यहां पे तो भाई यहां तक तो सब क्लैरिटी में चल रहा है किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर तुम्हारे मन में है तो पूछ लो बेटा कोई दिक्कत नहीं मैं बताऊंगा दस बार तुम्हें बोला है तो बताऊंगा दस बार फिर चलिए भाई, करें स्टार्ट तो ऐसी बात है सर ऐसी बात है सभी, ठीक है तो यहां तो, अरे तो यहां पे हमने ये लगाया फॉर्मला अब सरफेस टू से रिफ्रेक्शन कराते हैं फॉर रिफ्रेक्शन थ्रू सरफेस टू रिफ्रेक्शन थ्रू सरफेस टू <coughs> क्या लगाया फॉर्मुला साहब इमेज बन गई रेयर में सो so, म्यू आर डिवाइडेड बाय वी म्यू आर डिवाइडेड बाय वी माइनस का म्यू डी डिवाइडेड बाय वी डैश म्यू आर डिवाइडेड बाय वी बेटा फाइनल इमेज तो रेयर में बनती है ऑब्जेक्ट कहां था उसके हिसाब से डेंसर में था और ये माइनस के साथ में आ रहा है और इट शुड बी इक्वल्स टू म्यू आर माइनस डी या फिर देखो इसको आ, क्या हो जाएगा ये डी माइनस का म्यू आर डिवाइडेड बाय आर टू ठीक है कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं शांति से अपना जो फॉर्मुला था हमने वो बना दिया यहां पे जब आप इसको देखोगे ये आपकी इक्वेशन नंबर वन बन जाएगी और यहां पे ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा देखो ये साइन वाला पार्ट जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें कोई परेशानी नहीं होगी ऐसी चिंता ना करें बिल्कुल भी ठीक है हाँ बिल्कुल भी परेशान मत हो ना साइन वाली चीजें ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी अभी चलेगी करें इक्वेशन वन आ चुकी है इक्वेशन टू आ चुकी है देखो भैया वी डैश जो है काल्पनिक था हटाएंगे इसको वी डैश काल्पनिक होने की वजह से हटाते हैं तो क्यों ना मैं इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू कर दूं दू सो मैंने किया इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू जब मैंने इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू किया तो यह हो जाएगा म्यू डी डिवाइडेड बाय वी डैश माइनस का म्यू आर डिवाइडेड बाय यू प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय वी माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाय वी डैश बराबर हो जाएगा म्यू डी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय आर वन प्लस म्यूडी माइनस का म्यू आर डिवाइडेड बाय आर बेटा यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा था खुशहाल जीवन जी थे हम लोग अब जब मैंने देखा तो यहां पे पता चला कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कट सकती है जैसे कि म्यूडी बाय वी डैश से म्यू डी बाई वी डैश सॉल्व किया तो पता चला ये कुछ बनेगा आ, म्यू आर अपॉन वी माइनस म्यू आर अपॉन यू क्वेश्चन बेटा यहां से म्यू डी माइनस म्यू आर को बाहर निकाल लीजिए उल्टा लिख दिया क्या इसमें म्यू आर माइनस का म्यू डी उल्टा लिख दिया है मैंने म्यू आर माइनस का यूडी होगा यहाँ पे म्यू आर माइनस का म्यू डी पूरे पिक्चर में से म्यू डी माइनस म्यू आर को बाहर निकाल लीजिए so, पूरे पिक्चर में से म्यू डी माइनस म्यू आर को बाहर निकाला और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू हो गया तो वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू हो गया बेटा सोचो कायदे से म्यूडी माइनस म्यू आर है लेकिन म्यू आर माइनस म्यूडी लिखा था तो अगर मैं इसको रिवर्स करूंगा तो माइनस का साइन आएगा ना बेटा थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर म्यूडी को म्यूडी माइनस म्यू आर लिखना चाहता हूं तो बाहर माइनस आएगा कि नहीं आएगा तो वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू हो गया पूरी पिक्चर में से म्यू आर को बाहर निकाल के फेंक दिया ये हो जाएगा वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू डी माइनस म्यू आर वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू अभी म्यू आर को नीचे पटक दो हमारे जाके तो यह कहानी बनेगी वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू डी बाय म्यू आर माइनस का म्यू आर अपॉन म्यू आर वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू 1/r1 1/r2 so 1/v 1/ बोर हो गए ना तुम लोग कोई बात नहीं परेशान मत हो आज आज पढ़ लो उसके बाद चार पांच दिन तक मुझे झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें हम्म सो भाई ये वाली कहानी है भाई समझ आया कि नहीं आया अरे बोल बच्चू वाह समझ आया कि नहीं आया ये वाली कहानी क्लियर हुई सभी को कैसे चल रहा है दोबारा समझाऊंगा बेशक समझाऊंगा मना तो कभी किसी को किया ही नहीं हम लोगों ने किसी चीज के लिए तो दोबारा से समझेंगे इसको भाई चिंता ना करो बाकी यार आज तुमने धोखाधड़ी तो नहीं की ना मेरे साथ में क्यों भाई आज तो धोखाधड़ी नहीं की ना किसी प्रकार की आज तो सेशन को लाइक किया ना तुम लोगों ने अच्छे से लाइक किया ना क्या किया ये तुमने नहीं किया ना बहुत दुख है भाई जीवन जीवन में में बहुत दुख दर्द है मेरे जीवन में। मुझे लगा था तुम लोग मेरे बारे में सोचते होंगे मेरे बारे हो गया अब आ जाओ फटाफट फ़ड़ से अब सुनो ना सुनो तो सही यहां तक कोई दिक्कत है किसी को डाउट है आपको बताते मैग्नीट्यूड ऑफ लाइट ऑल्सो बीन होता है डायरेक्शन लाइट इज रे ऐसा तो भैया करंट का भी डायरेक्शन होता है बेटा डायरेक्शन होना काफी नहीं है सिर्फ अक्सर हम ये गलती कर देते हैं हम समझते हैं कि डायरेक्शन है तो वे वेक्टर होता है भैया वेल भाई डायरेक्शन है लेकिन अगर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा तो वेक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आप समझते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है क्या करंट की डायरेक्शन होती है हाँ बिल्कुल होती है से. करंट की डायरेक्शन होती है लेकिन सर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता तो क्या वो वेक्टर है नहीं वो स्केलर है तो ऐसा कोई वो नहीं है और ये तो रे बनाया है सिर्फ एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेक्टर और स्केलर फिजिकल के लिए बात कर जाती है बेटा स्केलर और वेक्टर की बातें जो है फिजिकल क्वांटिटीज के लिए की जाती है ऐसी चीजें जिनको मेजर किया जा सकता है जिनकी मदद से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। लाइट तो भैया एनर्जी है फॉर्म ऑफ एनर्जी है इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी तो उनके लिए ये वेक्टर की बातें नहीं करेंगे इसमें ठीक है स्नाइपर गॉड वाइटी क्या हाल चाल बेटा चलिए भाई ओके शिखा यादव बिल्कुल आज एक बच्चे ने Uh, हमारी टीम को एक मैसेज भी किया था तो वो मैसेज मुझे मिल गया है एंड उन्होंने कहा था कि सर ये जो चीज है आप ये वाला पार्ट हमें करा दीजिए अरे बिल्कुल शिखा आपकी भी बात सुन रहा हूँ तो आपने जो डिमांड रखी है कि बेसिक मैथमेटिक्स की बातें तो बेटा ये सारी चीजें आपको मैं डेफिनेटली करा दूंगा बिल्कुल भी चिंता ना करें बिल्कुल भी परेशान ना हो ठीक है तो भाई देखो मैंने क्या कहा ना मैं हमेशा से यही कहता हूं आपको कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें आपकी जो भी समस्या होगी वो आप हमारे तक पहुंचाइए और हम उस पे, उसको सुनेंगे उस पर चर्चा करेंगे और यही चीज यही चीज फिर से हुई देखो भाई एक डिफरेंस आता था हमेशा एक ऑनलाइन स्टडी में और एक ऑफलाइन स्टडी में बच्चे हमेशा बोलते थे कि सर आपसे हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है सर आपसे हमारी बातचीत नहीं हो पाती सर आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करें हमारे डाउट्स कौन सॉल्व करेगा ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ऑनलाइन स्टडी में बच्चा फेस कर रहा था तो भाई इन सारी चीजों के लिए हम एग्नेट ब्रेस ने चीजों को सुना है और सुन के इनकी सोल्यूशन भी तैयार कर लिए हैं और भाई उसी के सोल्यूशन के तौर पे एक बैच हम बहुत जल्द लॉन्च करने वाले हैं वो है होगा अद्भुत बैच अब भाई जैसे इसका नाम है वैसा ही काम है ये बैच सवाके में ही अद्भुत है क्योंकि यहां पे एक ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जो शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको ना मिले यहां पे आपको जो हम बोलते हैं कि भाई नोट्स नोट्स हमेशा तो मांगते थे नोट्स मिलेंगे हमसे डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बेटा डायरेक्ट वन टू वन इंटरेक्शन हो सकता है यहां पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस बैच में मिलेगी ये तो मैं बहुत लिमिटेड चीजें बता रहा हूं आपको ये दो तीन चीजें बता रहा हूं मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो इस बैच में आपको अवेलेबल होंगी हिंदी मीडियम की बात करें या इंग्लिश मीडियम की बात करें हमने सबकी सुनी है सबके लिए ये बैच होगा डेफिनेटली होगा अगर इस बैच के बारे में प्रॉपर जानकारी चाहिए आपको कि सर ये बैच क्या है कब से शुरू होगा क्या सर मैं इसमें ये सब्जेक्ट पढ़ सकता हूं क्या इसमें मुझे वो सब्जेक्ट मिलेगा तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं बेटा हमने किसी के साथ यहां पे कोई भेदभाव करने का नहीं सोचा हर उस बच्चे के लिए हमने इस बैच को लॉन्च किया है जो कि सच में अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है और वो हैवी कोचिंग फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता उनके लिए हमने ये सारी चीजें हमने सोच रखी है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूं मैग्नेट ब्रेन हमेशा आपके लिए ही सोचता है जैसा तो फिर से उन्होंने सोचा है अब भाई बैच की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो बैच की जानकारी आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है उस लिंक पे जाइए वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आपको वहां पे कुछ चीजें समझ नहीं आती है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं नंबर कौन सा होगा ये एक पट्टी चल रही है इसके बगल में देखिए एक लाल डब्बा है उस लाल डब्बे में एक नंबर लिखा है ये नंबर आप कॉल कर लीजिए इस नंबर पे और जो भी इंफॉर्मेशन बैच के बारे में चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जैसे कि बैच कब से शुरू होगा क्या होगा कैसे है होगा क्या है इन चीजों में क्या इस बैच में मुझे ये भी मिलेगा आपकी कोई इच्छाएं होंगी अरे सोचते हैं ना काश मैं सर से डायरेक्ट बात कर पाता ऐसा तो भी कुछ होगा क्या तो वो हर एक जानकारी आप लोगों को मिलेगी आप बस इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए वहां पे लिंक अवेलेबल है सारी जानकारी बैच से रिलेटेड पे आपको मिल जाएगी तो भैया देखो हर एक चीज में यही कहता हूं आपसे हर एक चीज आप लोगों के लिए मैक प्रोवाइड करा रहा है हर एक चीज में एफर्ट्स कर रहा है कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट कर सके ठीक है चलिए भैया अब आ जाओ फिर से हमारे बेस्ट पे ये सारी बातें समझ लो ना तुम लोग यार देखो मैं पूरी जी जान लगा रहा हूं कि तुम्हारे लिए चीजों को बहुत सिंपल कर दूं बहुत आसान कर दूं बाकी भाई कोई दिक्कत अगर तुम्हारे मन में रहती है कोई शंका तुम्हारे मन में है तो भाई पूछ डालो भाई ये दरवाजे खोल दो अपने जो भी डाउट्स है वो बहने दो बहने दो उनको सर है ना तो चलिए भाई यहां तक बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं है हा इलेक्ट्रिसिटी को मेजर किया जा सकता अरे वो नहीं तुम 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 गलत समझ रहे हो बेटा शिखा आपने कहा था ना आपका मैसेज मुझे मिल चुका है शिखा आपका मैसेज मुझे मिल चुका है एंड डेफिनेटली आप चिंता ना करें सुनो मैं आपको सही बात बताऊं अभी ऑलमोस्ट तीन चार दिन के बाद से ही मैं इसको शुरू कर दूंगा एक अलग से क्लास लाइव क्लास ही ले लूंगा मैं आप बिल्कुल भी चिंता ना करें आके मतलब आके मला, वो मैंने सीक्रेट खोल दिया क्या बता अभी क्या है कि सुनो कहानी कुछ इस प्रकार से होने वाली है कि आ, मैं अभी कुछ समय के लिए शायद नहीं रहूंगा बीच में दो चार दिन के लिए ठीक है और इस दो चार दिन के गैप में आ, आपका टाइम वेस्ट ना हो मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ मुझे माफ करना कुछ काम आया है जाना पड़ेगा तो शायद अभी कुछ समय के लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहूंगा अगले चार पांच दिन या तीन चार दिन के लिए मेरे की लाइव क्लासेस नहीं होंगी लेकिन उसकी जगह मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस के एक सॉल्यूशन बनाया है है ना मतलब वीडियो ही बनाई है मैंने उसमें तो वेरियस क्वेश्चन ये सारे चैप्टर्स मैंने उसमें कवर किए हैं उन चैप्टर्स से क्वेश्चन लिए हैं अच्छे क्वेश्चन है जहरीले क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन जो शायद आपके बोर्ड के साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के तो ये क्वेश्चन मैंने वहां पे करवाए हैं सॉल्व कराए हैं पूरे पूरे तो ये वीडियोस आपको मिल जाएगी इन गैप में तो आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा आप उस दौरान उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा एंड किसी बच्चे का बैकलॉग अगर रह जाता है मैं क्यों बता रहा हूं इस चीज के बारे में ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे आप मैं चाहता हूं कि आप ये जानकारी रखें कि अगले शायद तीन चार दिन तक क्लास नहीं होगी तो वो गैप मिलेगा आपको इस गैप में आपके जो भी बैकलॉग्स होंगे वो प्लीज कवर कर लेना बेटा आपके जो भी बैकलॉग्स होंगे उनको प्लीज 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 कवर कर लेना यार ठीक है हाँ तो ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कल एग्जाम है क्या करो बेटा पढ़ाई करो यार मस्त वाली पढ़ाई करो चलिए भाई कोई हार्ड नहीं होगा तुम चिंता ना करें फिर भी कोई भी चिंता नहीं करनी देखो चीजें हार्ड कब होती है जब हमें आती नहीं है कोई भी चीज जो है हार्ड कब होगी जब हमें आती नहीं है वो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है हमें सब कुछ पता है फिर तो कुछ हार्ड ही नहीं है अपने लिए बैच कब से स्टार्ट होगा चैप्टर वन से होगा क्या बेटा हर एक चीज हर एक चीज आपको बिल्कुल मैं बोल रहा हूं ना फ्रेश तरीके से सब कुछ बताया जाएगा उस बैच में आप बिल्कुल भी चिंता ना करें हर एक चीज आपको कवर करवाई जाएगी ऐसा नहीं होगा कि सर यहां से आप आधा पढ़ाओगे या आधा वहां पढ़ाओ ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल फ्रेश शुरुआत होगी हर एक चीज बढ़िया तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में आपको समझाई जाएगी उसमें ठीक है तो देखो मैं बोल रहा हूं ना आप डिस्क्रिप्शन में जाइए लिंक अवेलेबल है वहां से आप बैच की जानकारी पूरी ले सकते हैं कॉल कर लीजिए नंबर दिखाई दे रहा होगा कॉल कर लीजिए तो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ठीक है बेटा यहां मेकर फॉर्मुला की कहानी हमारी जो चल रही थी उसमें हमने बोला था कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां से इंसिडेंट रे जाती है एंड आफ्टर द रिफ्रेक्शन उसका पहली बार रिफ्रेक्शन हुआ है पहली बार रिफ्रेक्शन हुआ सरफेस वन से फिर यह आगे गई अगर ये सरफेस नहीं होती सेकंड वाली तो वो सीधा 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 सीधा, सीधा, सीधा आगे चली जाती

पहले सरफेस ने क्या देखा कि इंसिडेंट रे इधर से आ रही है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा उसके लिए पहले सरफेस ने देखा रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रही है तो उसके लिए इमेज अंदर हो जाएगी तो पहले वाले सरफेस को लेके अगर मैं की बात करूं, तो यार ये शायद हमने पढ़ा था थ्रू कर्व्ड सरफेस थ्रू कर्व्ड सरफेस बेटा ये पढ़ा हुआ है जेक कर लेना एक बार फटाफट से ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है पहले से ठीक है तो पहले सरफेस से जो रिफ्रेक्शन होता है वो हमने यहां पे डिफाइन किया पूरा फिर हमारे सेकेंड सरफेस पे सेकेंड सरफेस को क्या लग रहा है कि सर लाइट यहां से आ रही है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट जो होगा इसी लाइन पे कहीं पे होगा वाला सरफेस जो है नादान है भोला वाला सा है उसने देखा लाइट यहां से आ रही है तो उसके लिए जो लाइट है वो कहीं ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यही इस लाइन पे होना चाहिए था तो इस लाइन पे ये जो आईवन है ये इस सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है बेटा वो I1 जो है कैसा हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा साहब ये रियल ऑब्जेक्ट नहीं वर्चुअल ऑब्जेक्ट नाम तो सुना ही होगा तुम लोगों ने तो एक तरह से इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा ये तो यहां पे ये एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा जिसकी इमेज यहां पे बनाई जाएगी फिर सेकंड सरफेस की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए भी रिफ्रेक्शन हुआ यहां पर देखिए रिफ्रेक्शन का फॉर्मुला लगाया मैंने एक चीज देखी है कि सर हमें जो मतलब था वो था ऑब्जेक्ट से और फाइनल इमेज से हमारा जो भी मतलब था वो ऑब्जेक्ट से था और एक फाइनल इमेज से था तो ऑब्जेक्ट मिल गया फाइनल इमेज मिल गई फिर हमें और क्या चाहिए तो ये जो चीज मिल रही है इसको हटाओ एलिमिनेट करो तो एलिमिनेट करने के लिए मैंने देखा कि ये वी डैश वाला जो है कट जाएगा अगर मैं इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को एड कर दू तो सो मैंने कर दिया एड करने के बाद ये ऐसा सॉल्व हुआ और फिर यहां पे सॉल्व किया तो ये देखो ये आंसर आ गया अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ एक पॉइंट आ चुका है एक फॉर्मेट इसका आ चुका है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसमें कंडीशन लगती है मान लीजिए अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनती है बेटा फोकस पे बनती है अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहां पे बनती है फोकस पे बनती है चलो ये वाला कंडीशन सिर्फ ये कंडीशन अगर इसमें लगाओगे तो आपका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कुछ वन बाय एफ इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ द डेंसर मीडियम अपॉन म्यू ऑफ द रेयरर मीडियम माइनस का वन अच्छा डेंसर और रेयरर को थोड़ा सा कंफर्म कर लेना बेटा ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो डेंसर और रेयरर का ही हो सराउंडिंग का और लेंस का ऐसे कर लेना ठीक है और यहां पे हो जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू हमारे इस सिचुएशन में इस जो डेरिवेशन मैंने आपको कराया है इस सिचुएशन में एक सामने बात जो आई है वो ये है कि डेंसर वाला जो है वो लेंस का है बेसिकली डेंसर वाला किसका है लेंस का है और रेरर वाला किसका है सराउंडिंग का है तो यहां पे जहां जहां पे रेरर है वहां पे सराउंडिंग लिख लेना है जहां जहां पे डेंसर है वहां पे लेंस लिख लेना बेटा मतलब कि म्यू आर और म्यू ऑफ द सराउंडिंग एक ही बात है बेटा रेरर वाला मैंने सराउंडिंग को माना है ऐसा कुछ नहीं है चेंजेस आ सकते हैं बेटा और डेंसर वाला जो है उसको मैंने लेंस कमाना है और जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चीजें आपकी चेंज हो जाएगी कल को ऐसा सिचुएशन आएगा कि बाहर सराउंडिंग वाला डेंसर हो जाएगा कल को ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि सराउंडिंग वाला मीडियम डेंसर हो जाएगा और लेंस का मीडियम जो है वो रेयरर हो जाएगा तो इसको डेंसर और रेयरर से मत याद रखना इसको याद रखना सराउंडिंग से और लेंस से तो इतना काम मैं भी कर देता हूं जहां जहां पे रेर वाला है वहां पे सराउंडिंग कर देता हूं जहां जहां डेंसर वाला है वहां पे लेंस कर देता हूं बेटा जहां जहां पे डेंसर वाला है वहां पे लेंस कर देता हूं जहां जहां पे रेरर वाला है वहां पे सराउंडिंग कर देता हूं <स> लेंस सराउंडिंग सराउंडिंग लेंस म्यू ऑफ द लेंस म्यू ऑफ द लेंस माइनस म्यू ऑफ द सराउंडिंग लेंस माइनस म्यू ऑफ द सराउंडिंग यहां पे हो जाएगा सराउंडिंग माइनस लेंस ठीक है जहां जहां पे आप लोगों को इस बार ऐसा दिख रहा है कि ये रेरर है वो डेंसर है तो जहां जहां पे डेंसर है वो लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है जहां जहां पे रेरर है वो सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है ऐसा क्यों बता रहा हूं क्योंकि कल को सिचुएशन बदल जाएगी और सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डेंसर भी हो सकता है भैया हो सकता है हमें नहीं पता क्या बने पॉसिबिलिटी कुछ भी बन सकती है यहां पर तो राधर देन की आप इसको रेर या डेंसर से याद रखिए आप इसको लेंस और सराउंडिंग के नाम से याद रखना बेटा ज्यादा अच्छा है इसीलिए मैं इस पूरे इक्वेशन को लेंस और सराउंडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं बेटा इसलिए पूरे पार्ट को मैं सराउंडिंग के नाम से ही कन्वर्जन में लेके आ रहा हूं जहां पे डेंसर था वहां पे लेंस लगाऊंगा लगाूंग, लगाऊंगा और बाकी जगहों पे सराउंडिंग लूंगा म्यू ऑफ द लेंस माइनस म्यू ऑफ द सराउंडिंग म्यू ऑफ द लेंस माइनस म्यू ऑफ द सराउंडिंग अब ये सराउंडिंग आगे चला जाएगा तो आपकी इक्वेशन जो है ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी इट विल बी गिवन बाय म्यू ऑफ द लेंस म्यू ऑफ द सराउंडिंग म्यू ऑफ द लेंस माइनस म्यू ऑफ द सराउंडिंग लेंस सराउंडिंग लेंस सराउंडिंग चलिए तो इस तरीके से याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा बेटा है ना इस तरीके से याद रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें कौन सी पहली वाली और दूसरी वाली इक्वेशन को देखें तो इन दोनों को इक्वेशन को देखने से एक और चीज मुझे जो सामने नजर आ रही है वो ये होगी कि वन बाई वी माइनस वन बाय वन बाय के बराबर भी हो रहा है और इसको बेटा लेंस फॉर्मुला कहते हैं इसको क्या कहेंगे बेटा लेंस फॉर्मूला कहेंगे साहब इसको इसको लेंस फॉर्मूला कहते हैं यह तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला हुआ है एक तरफ तो ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला हो गया है और एक तरफ जो हुआ है वो मैंने बस ये कंडीशन लगाई कंडीशन लगाने के बाद जब मैंने ये फॉर्मुला दोबारा से लिखा तो इसको अब पुराने वाले को कंपेयर करके मुझे 1 v, 1 U की जगह भी दिख रहा था तो वो हमारा लेंस फॉर्मुला भी हो जाता है बेटा अब तो कोई दिक्कत नहीं है शायद अरे अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना हाँ बिल्कुल करा दूंगा चिंता ना करें सारी चीजें होंगी यहां पे मना किसी को कुछ नहीं किया जा रहा है जिया गुप्ता क्या हाल चाल बेटा चलिए भाई ऑल राइट तो एक काम करो छापने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए फटाफट से और भाई आज जिसने मेरे साथ धोखाधड़ी की है जिसने मेरे साथ गद्दारी करी है सेशन को लाइक ना करके बेटा अभी भी मौका है पश्चाताप कर लो सेशन को लाइक कर दो है ना मैं माफ कर दूंगा तुम्हें तो चलिए ओके भाई सौ के पार तो पहुंचाओ उसको इज्जत तो बना के रखो थोड़ी थोड़ी तो इज्जत बनाओ मेरी सर्वोत्तम हाईलाइट करें तुम्हें कैसे करें बोलो जय जयकार करवा दें सर्वोत्तम की हम्म अरे आशीर्वाद आशीर्वाद तो मेरा ऑलवेज तुम्हारे साथ में भाई मैं हमेशा मेरा ब्लेसिंग जो है वो हर बच्चे के साथ रहती है भाई मुझे मैं कभी भी किसी में ये भेदभाव नहीं करूंगा और ना ही मैं करता हूं कि यार नहीं ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता इसको मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा ये पढ़ाई नहीं करता है ये पढ़ता है ले आशीर्वाद ले ऐसा नहीं है भाई सबके लिए है यार सबके लिए है ये ठीक है डेफिनेटली बेटा वीके सिंह क्या हो गया बेटा इतना परेशान क्यों है अरे बहुत बढ़िया सबास। ये हो गया स्क्रीनशॉट ये हो गया स्क्रीनशॉट अजय कुमार बिल्कुल बढ़िया हूं बेटा मजे में हूं शानदार शानदार एकदम जय श्री राम बेटा चलिए आइए फटाफट से इधर भी देख लीजिए छाप लीजिए इसको और 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 स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए खुशी इलेवेंथ की क्लास कब होती है अभी बता देता हूं शेड्यूल लिख दूंगा पूरा यहां पर चिंता ना करें पूरा टाइम टेबल लिख दूंगा यहां पे आप बिल्कुल भी चिंता ना करें ठीक है अब सुनो भाई ये अपना लेंस मेकर्स फॉर्मुला हो चुका है लेंस फॉर्मुला भी यहीं पे आ गया अब फिर से वही बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा कुछ ऐसे जनरल पॉइंट होते हैं जो हमें जानना जरूरी है वो जनरल पॉइंट्स क्या है आइए जरा यहां पर बात करते हैं बेटा ये अपना ए के सर का ज्ञान है हम्म पहला पॉइंट रेस जो है वो पैराएक्सियल होनी चाहिए भैया ये बात तो बिल्कुल शुरुआती दौर में ही बता दी गई थी कि जो भी कहानी हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो पैरा रेस के लिए ही होंगी जो भी कहानी हमें डिस्कस करनी है वो पैरा रेस के लिए होंगी ये बात पहले से चल रही है बेटा जब भी आप यहां पे यू वी आर वन आर टू की वैल्यू को पुट करोगे साइन के साथ पुट करोगे मतलब साइन कन्वेंशन फॉलो होना ही चाहिए ठीक है साइन कन्वेंशन फॉलो होना ही चाहिए अब यहां पे आर वन जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उस सरफेस का जिस पे लाइट सबसे पहले गिरी है बेटा मैंने तो यही कहा था आप लोगों से आर वन जो है उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस पे सबसे पहले लाइट गिरती है आके फिर लेंस जो होगा वो पतला होना चाहिए मैंने ये पॉइंट भी आपसे कह दिया था लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम होना चाहिए बेटा ये भी बात परमेंट अपनी क्लियर हो गया कैसा हुआ था बिल्कुल हुआ है। देखो ना मैंने कहा था जो मीडियम इधर है वही मीडियम इधर भी होगा लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम रखना बेटा। लेंस के दोनों तरफ मीडियम जो है वो सेम है ठीक है? तो कुछ चंद बातें हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए बाकी तुम छापना चाहते हो छाप लो स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो इट्स ऑल योर चॉइस क्लियर है सभी को कोई शक तो नहीं कोई परेशानी तो नहीं चलिए भैया आगे बढ़ते हैं कॉनकेव लेंस हो चुका है अब यहां पे बेटा पिक्चर बदलती है समझना बेटा कैसे चलेगी कहानी मजा आ जाएगा तुम्हें तो भी मैं इसका एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने जा रहा हूं इस टाइम पे मैं इसका एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने जा रहा हूं इस टाइम पे मैं जरा गौर फरमाइएगा सभी लोग सर सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब मेरे हिसाब से अगर आपके पास लेंस मेकर्स फॉर्मूला है वन बाय एफ इज़ इक्वल टू म्यू ऑफ द लेंस अपॉन म्यू ऑफ द सराउंडिंग माइनस का वन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू बेटा ये कहते हैं कि अगर फोकल फोकलेंस जो है वो पॉजिटिव है तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा अगर फोकल फोकलेंथ जो है वो नेगेटिव होगी तो ये हो जाएगा। ऐसा कहते हैं ये लोग ठीक है ये सिचुएशन चल रही है जिसमें लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो सराउंडिंग से ज्यादा होता है ये वो सिचुएशन चल रही है ये तब की बातें हैं जब हम कहते हैं कि लेंस का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा होता है ठीक है यानी फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा फोकल लेंथ अगर नेगेटिव होगा तो कॉन लेंस होगा ये हमने याद कर लिया रटा मार लिया ठीक है बहुत बढ़िया अच्छी बात है अब सुनना जरा नेचर बदलता है लेंस का कोई बच्चा बोलता है ना कि सर लेंस का फोकल लेंथ अरे मीडियम पे डिपेंड करता है बेटा इसमें मान लो ऐसी कुछ कहानी आ जाए इफ कलर बदल रहे सर मजा आ जाएगा इसमें कहानी बदल गई और कहा इफ म्यू आर सॉरी म्यू ऑफ द सराउंडिंग इज ग्रेटर देन द म्यू ऑफ द लेंस तो बेटा ये जो पिक्चर है ना म्यू एल बाय म्यू एस माइनस वन की जो ये जो पिक्चर है ना बेटा ये ये वाली ये हो जाएगी नेगेटिव ये हो जाएगी नेगेटिव जीरो से भी छोटा जो होता है वो नेगेटिव होता है बेटा ठीक है तो ये नेगेटिव हो जाएगी इस केस में जो फोकल लेंथ पहले पॉजिटिव आया करता था आज वो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा और जो लेंस लेंस था आज वो हमारा की तरह काम करेगा बेटा और जो फोकल लेंथ पहले नेगेटिव हुआ करता था वो फोकल लेंथ आज पॉजिटिव हो जाएगा और जो कॉन्केव लेंस हमारे पास हुआ करता था वो हमारे लिए कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा बेटा यानी कि अगर सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो जाए तो लेंस अपना नेचर बदल देता है अगर यहां से ज्यादा हो गया तो जो भी लेंस अपने पास है वो अपनी नेचर को चेंज कर देता है बेटा उसके तो लेंस की बड़ी गंदी आदत है ये हम्म कि वो सराउंडिंग को देख के कि भाई आस पड़ोस में क्या हो रहा है उसको देख के वो अपना नेचर जो है वो बदल देता है ठीक है हां अभी यहां तक समझ आया अभी क्लियर हुआ हां कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स का नेगेटिव होता है चेक करो बेटा एक बार मुझे कॉन्केव का याद है मुझे कॉनकेव का याद है एक बार चेक कर लेना बताना मुझे जहां तक मुझे पता है कॉनकेव का ही नेगेटिव होता है ठीक है चलिए हाँ डेफिनेटली इट इज इट इज बेटा है ना क्लियर है ये बात सभी को किसी प्रकार का कोई शक तो नहीं कोई समस्या तो नहीं कोई परेशानी तो नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो यही बात यहां पे लिखी बेटा अगर यहां पे देखो म्यू वन किसका हो गया है सराउंडिंग का यहां पे म्यू वन हो जाएगा सराउंडिंग के लिए μ1 हो जाएगा सराउंडिंग के लिए और μ2 हो जाएगा लेंस का बेटा μ1 हो जाएगा सराउंडिंग का μ2 हो जाएगा लेंस का अगर μ1 जो है μ2 से छोटा है तो डेफिनेटली ये कॉन्वेक्स लेंस है कन्वर्जिंग नेचर का है μ1 अगर छोटा है μ2 से μ1 अगर छोटा है μ2 से तो सर ये कॉन्केव है डाइवर्जिंग नेचर है अच्छी बात है लेकिन अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाए सराउंडिंग से तो वो जो कन्वर्जिंग वाला है बेटा वो दिख रहा है डाइवर्जिंग नेचर शो कर देगा मतलब जो कॉन्वेक्स लेंस था ये कॉन्वेक्स लेंस पता है कैसा बिहेव करेगा ये काम करेगा कॉनकेव लेंस का तो जो कॉन्वेक्स लेंस है वो काम करेगा कॉनकेव लेंस का जो कॉन्वेक्स लेंस है वो काम करेगा कॉनकेव का। लेंस का यहां पे देखिए बेटा म्यूवन अगर छोटा है म्यूटू से यानी सराउंडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो ये कॉनकेव होता है बहुत बढ़िया सा डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव होता है लेकिन अगर सर ऐसा हो गया सराउंडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा हो जाए लेंस से तो फिर पिक्चर गड़बड़ है बाबा और ये कॉनकेव वाला अब बन जाएगा कॉनवेक्स बनेगा का मतलब काम करेगा वैसा ये नेचर को चेंज कर है अपने ये अपने नेचर को ही बदल देगा बोलेगा भैया हम तो ऐसा काम करते ही नहीं है तो ये चीज गलत बात क्या हो गया भाई लड़ाई झगड़े तो नहीं चल रहे ना तुम लोगों के okay? गए हाँ चले भाई वेरी गुड अच्छा लगा मुझे आज देख के कि आज कोई बच्चा फालतू की बातें नहीं कर रहा है कोई बच्चा स्पैम नहीं कर रहा मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा ऐसे बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है पता है तुम्हें तुम जैसे बच्चे होते हो ना जो सिर्फ पढ़ते हैं चीज़ों पर फोकस करते हैं राधा दिन पंचायत करने के या फिर एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हो आईडी वगैरह मांगने के मैं सही बात बताऊं तुम जैसे बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है फील आता है अच्छा लगता है ना वो कहना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है पढ़ा के पर वो जो डिस्टर्बेंस आती है ना वो थोड़ा सा गंदा लगता है फिर वो क्या पढ़ाई में disturbance होता है ना तो फिर मजा ही नहीं आता कुछ। मुझे खुद को फील नहीं आएगा तो अच्छा अच्छा तो हमेशा ये कहा है। मेरे को नहीं फर्क पड़ेगा इस चीज से तुम अगर चालीस बच्चे भी डेडिकेटेड होकर पढ़ना चाहते हो तो मैं चालीस को पढ़ाऊंगा सिर्फ मुझे कोई दिक्कत नहीं है हाँ मेरे बहुत क्लियर रहते ज्यादा वो नहीं करते बोलो बेटा सराउंडिंग का कम है लेंस से कन्वर्जिंग है सर बिल्कुल प्लेनो कॉन्वेक्स है प्लेनो है कन्वर्जिंग नहीं है लेकिन अगर सब यहाँ पे लेंस का कम हो जाए सराउंडिंग से तो वो बन गया सही है ना सहमत हो ना मेरी बातों से तुम तो ये सारी बातें यहां पे भी लिखी हुई है ये देख लो बेटा सब कुछ लिखा हुआ ठीक है तो उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते हुए चल रहे हैं। अब इसके बाद आता है वेलोसिटी ऑफ़ द इमेज फॉर्म्ड अ लेंस। भाई अगर कोई भी लेंस की बात करें तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी यूज uh, करना चाहूंगा इसकी वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला से वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू टू वन बाय एफ था साहब यहां पे u क्या है पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द लेंस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू लेंस v क्या है इमेज डिस्टेंस विद रेस्पेक्ट टू लेंस और f क्या है फोकल लेंथ जो कि होता है कॉन्स्टेंट ठीक है हाँ, सर यहां पे अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो समझ जाइए इट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस पूरी स्लाइड पे ग्रीन ग्रीन हो जाएगा सब कुछ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस अगर मैं वी आई एल लिख देता हूं तो इट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज सिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू सारे डिस्टेंसेज आप लेंस से मेजर कर रहे हो तो जो भी कहानी आएगी विध रेस्पेक्ट टू देंस आएगी यहां पर मैंने क्या किया दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टाइम सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टाइम भाई यहां पर माइनस अपॉन वन बाई वी स्क्वायर डी बी बाई डी टी माइनस वन बाई वी स्क्वायर डीवी बाई डी टी माइनस ऑफ माइनस वन बाई यू स्क्वायर डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू बेटा वन बाई एफ का डिफरेंशिएशन जीरो हो चलिए भाई तो सॉल्व करेंगे इसको सो डीवी बाई डी टी बराबर हो जाएगा बेटा वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी टी के है तो फिर उसकी वेलोसिटी को मानना अगर लेंस मोशन में नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो चलने तो कहानी को है ना अगर लेंस मोशन में है अगर लेंस की भी कोई वेलोसिटी दी जाती है तो डेफिनेटली यहां पे हम इनको कंसीडर करेंगे अगर नहीं दे रखी है तो चीजें छोड़ देना फिर ठीक है सर ये सीबीएसई बोर्ड का है हम यूपी बोर्ड के मंगला प्रसाद एक ही बात मैं कहना चाहूंगा हां वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ नहीं 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 अरे नहीं इमेज की वेलोसिटी अलग होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अलग होती है लाइट की वेलोसिटी अलग होती है अरे ऑब्जेक्ट बोले तो मैं ऑब्जेक्ट बोले तो मैं लाइट में हाथ में टॉर्च लेके चल रहा हूं यह ऑब्जेक्ट है टॉर्च इज द ऑब्जेक्ट टॉर्च में से लाइट निकल रही है वो अलग चीज है टॉर्च जो है वो डिफरेंट चीज है अरे यार तुम्हें ऐसे बताना पड़ेगा क्या मेरे मेरे टैब में रुको तो एक मिनट तो फ्लैश है इसमें नहीं है फॉर एन एग्जाम्पल जैसे बहुत डिफरेंट थिंग्स यार मुझे पता है तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हो इस चीज को लेके ऐसा नहीं है ये देखो चलिए यू कैन सी द फ्लैश द्लैश फ्लैश दिखाई दे रहा है ये एक ऑब्जेक्ट है इससे लाइट निकल रही है दैट्स अ डिफरेंट थिंग ये एक ऑब्जेक्ट है मोबाइल इज द ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट सोर्स ऑफ लाइट है ये ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा अलग वेलोसिटी से <coughs> ये जो है ये मूव कर रहा है ये मूव करेगा अलग वेलोसिटी से इससे लाइट निकलेगी वो निकलेगी बेटा स्पीड ऑफ लाइट थ्री इंटू टेन की पावर एट पर वो स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि बेटा ये सब तो उसके सामने कुछ भी नहीं है फिर इसलिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी को अलग अलग कंसिडर किया है हमने यहां पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है और जो इमेज की वेलोसिटी है इनको अलग अलग कंसीडर किया है ठीक है हाँ ये बिल्कुल अलग चीज है बेटा क्या बोल रहे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म हो गया क्या बिल्कुल कोमल इलेक्ट्रोस्टैट्स खत्म हो गया है इवन मैंने इसके क्वेश्चन कराए हैं आप प्लीज चेक कर लीजिएगा वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे ठीक है चलिए चलो ओके और कोई दिक्कत तो नहीं मैं एंड का एस्पिरेंट हूं तो क्या मैं ये पढ़ लू बिल्कुल पढ़ लो रॉबिन सिंह मैंने आपसे पहले भी कहा है कि का अगर आप सिलेबस मैच करने जाते हो सो so एटलीस्ट फिजिक्स में, at least की मैं बात करूं सिर्फ तो वो इलेवन ट्वेल्थ तो की फिजिक्स है और मैं आपको सच बात बताऊं तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है वो फिजिक्स तो टफ नहीं है बिल्कुल भी तो मैं यहां पे आपको कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन करा रहा हूं जिसमें मैं आपको चीजें जेई लेवल तक लेके जा रहा हूं और अगर आपने जेई लेवल की प्रिपरेशन की है तो एनडीए का फिजिक्स तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे बेटा हाँ अगर आपकी प्रिपरेशन सच में जेई लेवल की है जो कि मैं यहां करवा रहा हूं तो आप एनडीए का फिजिक्स तो बहुत आराम से कर लेंगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी देखो मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं बाकी के सब्जेक्ट थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं मैथ्स में थोड़ा सोचना पड़ता है बाकी चीजें डिफिकल्ट होती है ऐसा भी नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है हाँ मतलब ठीक है लेकिन फिजिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना ये जेई में आ जाता है फिजिक्स जितना डिफिकल्टी जेई में आ जाती है उतनी डिफिकल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी और तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो एकदम निश्चिंत रहे सारी चीजें आपको जो करा रहा हूं ऐसी है जो आपके लिए बेटर आपके लिए फायदेमंद ही होगी ठीक है चलिए रिफ्रैक्शन क्या होता है भाई कौन बताएगा भाई रिफ्रैक्शन के बारे में बताओ फटाफट से एक बच्चे ने हाँ मैं बिल्कुल जिम ज्वाइन करना है मेरे को सही में यार जिम तो ज्वाइन करना ही है क्या समय नहीं मिलता बस मुझे क्या करूं ना जिम ज्वाइन करना तो चाहता हूं पर समय ही नहीं मिलता क्या करूं यार इलेक्ट्रोस्टैट्स सुनो, सुनो, सुनो. के नोट्स जो है बेटा आपको खुद से बनाने पड़ेंगे हर चैप्टर के नोट्स मैं अभी तो नहीं दे रहा हूं आप लोगों को चैप्टर के नोट्स अभी तो मैं नहीं प्रोवाइड करा रहा हूं भले कोई सा भी चैप्टर हो मैंने हर चैप्टर में बच्चों को यही चीज बोली है कि आप खुद से नोट्स बनाएं, लेक्चर को देखें लेक्चर को देख के चीजों को नोट करते हुए चले ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा बेटा ठीक है चलिए उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको क्लियर होती ही चल रही है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही होगी कोई परेशानी नहीं आ रही होगी किसी भी बात पे देख लो देख लो देख लो देख लो, लो। हम्म क्लियर रहेगा सब कुछ क्लियर रहेगा सब कुछ कोई दिक्कत तो नहीं आएगी कोई परेशानी भी नहीं आएगी एक बार जो मैंने आपको टास्क दिया है इमेज फॉर्मेशन का वो प्लीज एक बार सभी लोग फॉलो कर लेना ठीक है जो टास्क मैंने दिया है आपको वो टास्क प्लीज सभी लोग फॉलो करना बेटा ये जरूरी है यार बहुत जरूरी है इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको बोला था कि वो एक बार चेक कर लेना वो सभी लोग करेंगे और उसको चेक ठीक है कहीं कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना बाकी ये वाला पार्ट क्लियर हो चुका है स्क्रीन ले ही लिया होगा आप लोगों ने ठीक है और हाँ भाई आज के लिए इतना ही रहेगा आज ज्यादा बड़ी क्लास नहीं थी मैंने तो पहले ही बोला था आप लोगों से अब पॉइंट ये है बेटा पॉइंट ये है कि जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैग्नेट बेन्स ऑलवेज थिंक्स अबाउट यू गाइस और फिर से मैग्नेट ब्रेन्स ने आपके लिए सोचा है और आपके लिए सोचा तो सोच के हमने एक सॉल्यूशन निकाला हमने लगा कि भाई आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल सिर्फ एक ही बैच कर सकता है वो है अद्भुत बैच तो यस माय स्टूडेंट्स ये जो बैच हम लोगों ने लॉन्च किया ये स्पेशली आप लोगों को लेके ही किया है आप लोगों के बारे में सोच के ही किया है यहां पर ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको मिलेंगी जो कि बेसिकली अभी तक शायद नहीं मिल पा रही थी बिकॉज एक डिफरेंस आ रहा था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और ऑफलाइन क्लासेस में तो उन सब चीजों को हमने ओवरकम कर दिया इस बार हमने हर एक चीज को यहां पे ओवरकम किया है हमने ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी इसमें ऑन है ऐसी ऐसी, ऐसी, -ऐसी चीजें भी हमने एड ऑन किए है जो शायद आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे ना भी मिले अभी तक ठीक है तो हमने आपकी सारी जो भी जरूरतें होती है उनको ध्यान में रखते हुए सारी चीजें कंप्लीट की है जैसे कि आप पूछते तो हमेशा सिलेबस पूरा होगा बेसिक सिलेबस होगा सर डाउट सॉल्विंग सेशंस अभी तक क्या हो रहा है मैं आपसे बोलता हूं कमेंट सेक्शन में डाउट लिखो यहां पे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे वन शॉट रिविजन बेटा वन शॉट रिविजन की तो डिमांड आ ही रही है अभी भी हमेशा बच्चा बोलता है सर वन शॉट कब कराओगे ये सारी चीजें यहां पे होगी नोट्स आपके नोट्स मिलेंगे यहां पे टेस्ट एंड सॉल्यूशंस हर एक चीज देखो बेटा अभी तक क्या चल रहा है हमारे पास कि मैं आपको टॉपिक पढ़ाता हूं मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं आप भी सॉल्व करते हो आंसर आता है पर एक एनालिसिस नहीं हो पा रहा अपना हमें नहीं पता चल पाता है कि यार हम उस

तो भाई बैच के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है वहां पे जाइए फटाफट फड़ से और उस लिंक पे जाके सारी इंफॉर्मेशन आप बैच के रिगार्डिंग ले सकते हैं अगर फिर भी कोई दिक्कत है कोई एक समस्या है नहीं समझ आ रहा है क्या है तो भाई यहां पे नंबर दे रखा है नीचे देखिए यहां पे एक नंबर देके रखा हुआ है इस नंबर पे कॉल कीजिए और जो इंफॉर्मेशन बैच के बारे में चाहिए आप सारी इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं ठीक है तो भाई ये चीजों का थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई बहुत सच में बोल रहा हूं आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारी चीजें एंड अपने दोस्तों को भी बता देना जाके अपने दोस्तों को भी बता देना जाके उनको भी बोल देना कि भाई मैग्नेट फिर से आया है कुछ खास लेके हमारे लिए तो इसको तो मिस करने का बनता ही नहीं है बिल्कुल इसको तो हम जरूर लेके रहेंगे है ना तो वो एक बार जाके बात कर लेना उनसे बता देना उन सबको ये सारी चीजें बाकी क्लासेस को लेकर नहीं बात बेटा तो अब भी जैसा कि मैंने पहले भी कहा था अब शायद अगले चार पांच दिन तक शायद मेरी क्लास ना हो मैं लाइव क्लास पे नहीं आ पाऊंगा ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को क्योंकि ये गैप होगा बेसिकली जहां पे मेरी लाइव क्लासेस नहीं होंगी इस गैप में आप अपना बैकलॉग कवर कर लीजिएगा प्लीज ठीक है तो जितने भी चैप्टर्स आपके बैकलॉग है बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि सर मैंने अभी शुरू किया है पढ़ना तो क्या मैं इसको कर लू क्या मैं वैसा कर लू ये सारे बैकलॉग जो होंगे वो आपके लिए बेटर आप इनको कवर कर सकते हैं इस टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा ठीक है सफिशियंट तो टाइम आपको मिल जाएगा और ऐसा नहीं कि वीडियो मेरी नहीं आएगी मैंने कुछ क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी बना दी है ये वीडियोस इस दौरान आपको मिल जाएंगी जिनमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है मैंने जबरन वाले क्वेश्चंस कराए हैं ये क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेना तो जब तक मेरी लाइव क्लासेस नहीं होगी तब तक आपको जो है प्रीवियस चैप्टर्स के जो है कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का वीडियो है क्वेश्चन के वीडियोज है वो आप प्लीज चेक कर ले वहां से आपको बहुत फायदा मिलेगा ये क्वेश्चन ऐसे होंगे बेटा जो आपके शायद बोर्ड एग्जाम्स में भी आए हैं कंपटीशन में भी, भी आए हैं तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिए और जैसा कि मैंने आपसे कहा था पैटर्न में कुछ चेंजेस करने जा रहा हूं चेंजेस हो चुके हैं ठीक है तो बदलाव रहेंगे डीपीपीज आएंगी डीपीपीस के सॉल्यूशन मैंने करवा दिए हैं तो इस गैप में ये डीपीपीज चलती रहेंगी आप देखते रहिएगा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और अपने बैकलॉग को कवर जरूर कर लेना ठीक है बाकी बस आज के लिए इतना ही बात करनी थी बेटा बाकी मिलेंगे आपसे फिर अगले सेशन में जब भी होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा ठीक है बाकी मिलते हैं अगले सेशन में तब तक अपना ध्यान रखिए पढ़ाई करते रहिए ऑल द वेरी बेस्ट बाय टेक केयर